आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की। कैपिटल गेन वो मुनाफा है जो हम किसी इन्वेस्टमेंट को बेचकर हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, कुछ भी हो सकता है। खास बात यह है कि कैपिटल गेन्स पर लगने वाला टैक्स किसी दूसरी इनकम पर लगने वाले टैक्स से कम होगा। जो इन्वेस्टर्स को वेज वर्कर्स पर एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। तो क्या है कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म क्या है और क्या फ़ायदे हैं शॉर्ट टर्म के, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने इन्वाइट किया है दो खास मेहमानों को। जाने माने वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा मौजूद हैं हमारे साथ और साथ ही हैं जानी मानी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ऋतु प्रकाश सिंह। आप दोनों का हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और शुरुआत इस बार जेंट्स फर्स्ट के साथ। सिद्धार्थ, गेन मतलब हमने कहीं भी फ़ायदा किया है, कुछ भी बेच के हमारा फ़ायदा हुआ है, लेकिन कैपिटल गेन और वो भी शॉर्ट टर्म अलग लॉन्ग टर्म अलग, अगर आप हमें एक्सप्लेन करें तो। देखिए, जैसे कि एक ये शब्द है कैपिटल गेन्स, इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि यहाँ कुछ किसी एप्रिसिएशन को लेकर बात करी जा रही है और उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर कुछ बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कैपिटल गेन्स जो है वो एक कोई भी एसेट क्लास जब हम लेते हैं उस पर जो एक एप्रिसिएशन होता है या बढ़ोतरी होती है उस पर उसके पैसों की, और उसको जब हम रिडीम करते हैं या उसको जब हम बेचते हैं उस समय जो उस पर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स अलग अलग एसेट क्लासेस पे लगता है, अलग अलग तरीके से लगता है, उसमें अलग अलग प्रावधान है, उसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं और आते रहेंगे। तो जैसे अब हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा उसमें हम इस चीज को लेकर बात भी करेंगे। जी, तो ऋतु, कैपिटल गेन जो टैक्स है, सपोज मैंने कोई चीज खरीदी 25 लाख की और उसको मैंने 20 साल बाद बेचा 75 लाख का, तो क्या जितने में 75 लाख पे लगेगा टैक्स या फिर 25 माइनस 75 लगेगा? और अगर मैंने दो ही साल में बेचा है तो मतलब इंडेक्सेशन वगैरह नहीं हो रहा है उसमें, तो जो एग्जैक्टली मैंने सेल अमाउंट है उस पर लगेगा या फिर जो प्रॉफिट हुआ है उस पर लगेगा? सुनिए जी, जैसा कि ये कैपिटल गेन टैक्स है तो इस वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि ये जो टैक्स है वो आपके गेन पे लगता है। तो गेन का है कि जो भी प्रॉफिट आपको एक इन्वेस्टमेंट में जो है आप कमाते हैं, ये टैक्स उस पर लगता है। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो हिस्सों में जो है बटा हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम कहें की बात करें तो उसकी अवधि होती है 36 महीने से कम, लेकिन शेयर और म्यूचुअल फंड में ये अवधि जो है, शेयर म्यूचुअल फंड्स और आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में ये अवधि बदल जाती है। जैसे शेयर के लिए ये 12 महीने से कम होती है और आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि लैंड और हाउस हैं इनमें ये 24 महीने से कम होती है। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बात करें तो वो 36 महीने से ऊपर होता है। अगेन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और हाउस के लिए वो 24 महीने से ऊपर होना चाहिए और शेयर्स और यूटीआई म्यूचुअल फंड्स इनमें वो 12 महीने से ऊपर होनी चाहिए। तो ये दो तरह के इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट जो टैक्स है वो किस पे लगता है, तो उसके लिए हमें एक कैपिटल एसेट समझना पड़ेगा। जो कैपिटल एसेट्स की एक कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कि आपके वो चीज़ें जो आपको बिलोंग करती हैं, आप जिसके आप मालिक हैं और वो ट्रांसफरेबल हो सकती है, जैसे कि आपका लैंड है, हाउस है, व्हीकल्स है, ज्वेलरी है, ये सारी चीज़ें ट्रांसफरेबल हैं, लीगल तरीके से ट्रांसफरेबल हैं, इन सबको कैपिटल एसेट कहा जाता है। और जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग जिनको ट्रांसफरेबल नहीं है, जैसे कि आपका फर्नीचर, आपके क्लोथिंग्स, आपके रोज़ाना की चीज़ें, एग्रीकल्चर लैंड, ये सारे कैपिटल एसेट में नहीं आते हैं। तो जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो सारे जो कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन पे ही वो टैक्स लगता है। तो सिद्धार्थ, अगर आप हमें समझाएं कि एसेट्स क्या क्या हैं जिन पर लगता है, जैसे बताया काफ़ी कुछ ऋतु ने, लेकिन अगर हम क्लियरली देखें तो कोई भी चीज़ जो कि मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ किसी और को लेकिन वो मेरी पर्सनल यूज़ का ना हो, वो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एग्रीकल्चरल लैंड पर नहीं लगता, तो क्या यहाँ पर जब हम सेल करेंगे
वो एक फायदे का सौदा होगा या क्या होगा, मतलब उसको अगर एक्सप्लेन करें तो? सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैपिटल गेन्स किस किस पे लगता है और किस किस पे नहीं लगता। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी लैंड आ जाता है, जैसे रियल इस्टेट आ जाता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, ये सारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मूवेबल एसेट क्लासेस के बारे में बात करें तो उसके अंदर आता है स्टॉक्स, उसके अंदर आता है म्यूचुअल फंड्स, जो कि ट्रांसफर भी किया जा सकता है और जिसपे एक अलग तरीके से कैपिटल गेंस लगता है। जहां तक बात है एग्रीकल्चरल कैपिटल, एग्रीकल्चरल लैंड की, तो इस पे जो कैपिटल गेंस होता है वो एक नॉर्मल कैपिटल गेंस की तरह नहीं लगता, जिसको हम एक इंडेक्स्ड की इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लेते हैं। जैसे अभी मैम ने बताया कि अगर 24 मंथ से कम का होता है तो उस पे शॉर्ट टर्म लगता है, या 24 मंथ से ज्यादा होता है तो उस पे लॉन्ग टर्म लगता है। उसके जो प्रोग्राम्स होती हैं, जो उसके जो कैलकुलेशंस होती है, वो थोड़े डिफरेंट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट सरकार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस पर काफी चेंजेस लेकर आती है और ये डिफाइन करती है कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड अगर हम बेचते हैं तो उस पर जो टैक्सेशन जो स्लैब्स होती है वो किस तरीके से होता है, वो एज पर अकॉर्डिंग टू टाइम स्लॉट्स वो चेंज होता है और उसके हिसाब से वो लगता भी है। सो एज सच अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन कौन से एसेट क्लासेस पे क्या क्या टैक्सेस लगता है तो वो डिफर वेरी करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल गोल्ड पे अलग तरीके से लगता है, ज्वेलरी जिसको हम बोलते हैं, या रियल एस्टेट पे अलग तरीके से लगता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, या फिर इक्विटी मार्केट में एक अलग तरीके से लगता है। तो सरकार इस पे प्रावधान बनाती है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो इनफैक्ट जो डेफिनेशन है वो खुद चेंज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस पर भी सरकार काफी काम कर रही है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, 2023 में ही एक प्रावधान आया है जहां पे जो डेट फंड्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन ही बदल गई कि पहले 3 साल से ऊपर जब हम एक एसेट क्लास को रखते थे तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर आता था और उसके जो टैक्स के जो प्रावधान थे वो अलग थे, और 3 साल से कम के अंदर अगर हम बेचते थे तो वो एक अलग तरीके से उस पर प्रावधान था। बट 1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बिल्कुल हटा दिया और आज वो टैक्स स्लैब्स, आज वो एक इनकम में ऐड हो जाता है अगर हम डेट फंड्स को बेचते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैक्सेशन स्लैब्स के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन वो सब चेंज हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट हमें वो टैक्स पे करना पड़ता है जब भी हम उस एसेट क्लास को बेचते हैं। तो रितु, हमने गोल्ड की बात की, सपोज मेरी मदर का गोल्ड जो वो उन्होंने सपोज मुझे दिया और मैंने वो जाकर बेचा और मुझे उसमें कहें तो चलो 3 लाख रुपए का फायदा हो गया, तो अब किस चीज पे टैक्स लगेगा, क्योंकि मेरे पास तो स्लिप है ही नहीं जब मेरी मदर ने खरीदा होगा, कब खरीदा होगा। हाँ, एक्चुअली सोनिया जी, इसमें जो भी ये कैपिटल गेन टैक्स का जो भी एक एक सब्जेक्ट है, ये हमेशा ये टाइम पीरियड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को कब उसको निकाला, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर रखा है। अब अगर हम गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी का जो है, अगर हमने वहाँ पर जाके उसको बेचा और हमें उसमें 3 लाख का उस समय के जो करेंट गोल्ड का रेट है उसकी वजह से अगर हमको उसमें 3 लाख का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हमें प्रॉफिट मिला हुआ है, तो वो आपका एक टाइम पीरियड जो है उस पर एक लागू होता है कि वो शॉर्ट टर्म में आपने फॉल कर रहा है या वो लॉन्ग टर्म में फॉल कर रहा है, और ऐसे केसेस में वो टैक्स उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा कि जिस टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड एक आपका जो है इस इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कब बेच रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को कब आप उसको निकाल रहे हैं, और इसी वजह से बहुत से ऐसे रास्ते भी इसमें हैं कि आप उन टैक्स रेट्स को कम भी कर सकते हैं, आप इस स्टेप को ध्यान दे सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब शेयर्स या हम यूटीआई और उनकी म्यूचुअल फंड्स की बात करें कि जब आपका अमाउंट प्रॉफिट जो आपको मतलब खरीदी हुई बाय प्राइस और सेल प्राइस के बीच का जो आपको मुनाफा हो रहा है वो 1 लाख के अमाउंट से ज़्यादा है, अगर उसका ज़्यादा, तो आप इस चीज़ को अपने इन्वेस्टमेंट में ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर जा रहा है कम से कम इन्वेस्टमेंट्स में और आप उसके पहले नीचे निकलते हैं तो आपको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स से आपको बचत हो सकती है। तो टाइम पीरियड, अमाउंट जो है, ये दो चीज़ें कैपिटल गेन टैक्स में बहुत ज़रूरी है। तो सिद्धार्थ ये बताएं, जैसे सपोज किसी के पास स्टॉक्स हैं और 6 महीने के अंदर ही देखा कि उसमें 40% या 50% का फ़ायदा हो रहा है, तो उन्होंने उसको सोचा कि चलो भाई अब 50% का फ़ायदा हो रहा है, फटाफट से इसमें से निकल लो। अगर आपने 6 महीने में स्टॉक्स खरीद के बेच दिए तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स लगेगा, क्या उसकी परसेंटेज होगी, कितने पर टैक्स लगेगा? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक व्यूअर को समझना चाहिए कि
कि ये आजकल बहुत देखा जा रहा है, बहुत लोग बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं कि अगर हमारे स्टॉक हमने लेट से 100 रुपये पर खरीदा और वो मैंने 200 रुपये हो गया उसका, तो हम उसको इमिजिएटली बेच देते हैं, लेकिन हम उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस भूल जाते हैं और वो कैसे शॉर्ट टर्म के अंदर फॉल करेगा, कैसे लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वो मैं बताना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म का जो एक डेफिनेशन है, सरकार गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहती है कि अगर एक साल से कम आप अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर फॉल करेगा, और अगर आप एक साल से ऊपर अगर आपका प्रावधान या अवधि या फिर टेन्योर है तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर फॉल करेगा। अब सरकार ये कहती है कि अगर आपका जो एसेट क्लास है वो शॉर्ट टर्म का है तो आपको उसमें स्ट्रिक्ट 15% का कैपिटल गेन्स लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर 100 रुपये का एक एसेट क्लास या स्टॉक आपने खरीदा और वो 200 रुपये हो गया तो उसमें कैपिटल गेन्स हमें 100 रुपीज का हुआ, इसमें श्योर शॉर्ट 15% का आपको जो एक टैक्स है जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो आपको सरकार को देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स। तो 15 रुपये इसमें जो आपका 100 रुपये का जो मुनाफा हुआ है इसमें आपको 15 रुपये आपको एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। सो नेट अगर हम बात करें तो इसमें आपको 85 रुपीज का गेन होता है, ये हमारा होता है शॉर्ट टर्म के अंदर। अब इसको अब आगे लेके चलते हैं इसी कॉन्वर्सेशन को। लेट्स से अगर ये एक साल से ऊपर का टेन्योर है और हम एक साल बाद बेचते हैं तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो रूल्स बनाए हैं उसमें आपको लॉन्ग टर्म के अंदर वो एसेट क्लास का रिडेम्पशन फॉल करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स अब आपको जो 100 रुपए पे जो गेन्स हुआ है, 100 रुपए का जो गेन्स हुआ है उसमें आपको सिर्फ 10% देना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको 10 रुपए पे करना पड़ेगा और ना कि 15 रुपए जो आपने शॉर्ट टर्म के अंदर पे किया था अगर आप एक साल से कम में उस एसेट क्लास को या उस स्टॉक को बेचते हैं। तो इसलिए सरकार ने जो लॉन्ग टर्म की जो डेफिनेशन है उसमें जो उसका जो टैक्सेशन स्लैब है वो 10% ही रखा है और शॉर्ट टर्म का जो स्लैब है वो 15% रखा। तो ये बेसिकली सरकार ने इसलिए किया जिससे लोग स्पेकुलेशन से, होर्डिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म तक अपने एक एसेट क्लास को रखें सो दैट उनको टैक्स कम से कम पे करना पड़े। तो ऋतु, अगर किसी ने 6 महीने में बेच दिए और उनको अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग गया तो ये किस कैसे पे करेंगे, या ये पूरी लिस्ट रखनी पड़ेगी कि ये मैंने 6 महीने में बेचा इसलिए मुझे इसका ये फायदा हुआ, इस पे इतना टैक्स करना पड़ेगा, ये पूरा बही खाता कौन रखेगा? सुनील जी, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी हम स्टॉक शेयर्स में जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है। तो जब भी हम वहाँ पर पोजीशन एग्जिट करते हैं तो जो शेयर्स परचेज या सेल, बाय और सेल के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग STT कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जब आपकी वो एक फाइनल कॉपी, फाइनल एक वो आपका PNL का एक बन के आता है पोजीशन, तो उसमें वो STT आपका मेंशन रहेगा कि आपने वो शॉर्ट टर्म है, अगर फॉल हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से उसमें, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने बताया कि 15% का आपका वो स्टेट उसमें वो एप्लीकेबल होगा तो वो आपका मेंशन रहेगा, और अगर वो लॉन्ग टर्म में आपको फॉल हो रहा है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो 10% का वो रहेगा। तो ये STT जो है वो शेयर के केस में, या अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टीज या रियल स्टेट में या किसी और में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो टैक्स आपका जो फाइनल ट्रांजैक्शन आपका है, जो आपके पास फाइनल शीट आएगी उसमें वो टैक्स एप्लीकेबल होकर आएगा और वो आपको उसमें बाइफिकेशन उसमें एक रहेगा सेपरेट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इतना परसेंटेज टैक्स लगा, इतना अमाउंट का आपका टैक्स लगा है, और जो आपको फाइनल प्राइस आपकी पे करनी है वो आपको वहाँ पे स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको खुद कुछ नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा डीमैट अकाउंट के जरिए। कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें ये चीज ऐड करना चाहूंगा क्योंकि अब आजकल सारी सिक्योरिटीज, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, वो सारा आपके पैन से लिंक्ड है। तो क्योंकि अब एक सेंट्रलाइज्ड KYC होता है जिस तरीके से, इस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम भी होता है और उस डेटाबेस सिस्टम में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपने क्या स्विच किया, क्या रिडेम्पशन किया, क्या परचेस किया, कितनी कैपिटल गेन्स है, उस पर क्या शॉर्ट टर्म लगेगा, क्या लॉन्ग टर्म लगेगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो KRA के पास होती है ऑलरेडी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप उस इन्फॉर्मेशन को, जरूरी नहीं है कि आपको जब इनकम टैक्स फाइल करना है तभी आप उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करें, वो इन्फॉर्मेशन कभी भी रिट्रीव हो जाती है। बहुत लोग जब एडवांस टैक्स पे करते हैं तभी उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा सकता है। कैपिटल गेन्स अगर आप कैम्प्स की साइट पे जाएं तो वहां पे आपको पूरी कैपिटल गेन्स की रिपोर्ट मिल जाती है जो आप रिट्रीव कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो, और आप जब एडवांस टैक्स जब पे करते हैं तो आपको मेजरली इन रिपोर्ट्स की तब जरूरत पड़ती है और आप उनको उस
उस एडवांस टैक्स के हिसाब से आप उसको कंप्यूट करके आप उसको पे भी कर सकते हो। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, मैं इसमें बस यही ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि अब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम है, कोई भी रिट्रीव कर सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। और आप जब चाहें कन्वीनियंटली आप उस इन्फॉर्मेशन को आपके आर एस से आप मंगवा सकते हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी। जो डिविडेंड इनकम मिलती है उस पर भी कैपिटल गेन होता है या वो नॉर्मल आपके इनकम में आ जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहूंगा कि दर्शक इस पे क्लैरिटी ले लें कि डिविडेंड जो इनकम होता है वो भी उस पर भी कैपिटल गेन्स लगता है। इनफैक्ट ये 3 साल पहले ही एक रूलिंग आई है कि पहले डिविडेंड्स के ऊपर जो कैपिटल गेन्स लगता था वो एक डिफरेंट तरीके से लगता था और अब जो डिविडेंड के ऊपर जो कैपिटल गेन्स लगता है वो एक डिफरेंट तरीके से लगता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना जब बिल प्रस्तुत किया था 2022 की बात है, तब उन्होंने ये कहा था कि जो डिविडेंड के ऊपर जो कैपिटल गेन्स लगता है वो श्योर शॉट आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। तो लेट से अगर आप 30% टैक्स स्लैब के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड पे 30% का टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेट से आप 20% के अंदर आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आपको 20% डिविडेंड्स पे देना पड़ेगा। लेट से फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए का डिविडेंड्स मिला तो आपको और आप 20% के टैक्स स्लैब के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आपको 20 रुपए का आपको डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट नेट आपके 80 रुपए ही आपके हाथ में आएगा। लेकिन 3 साल पहले ये अलग था। 3 साल पहले डिविडेंड्स के ऊपर जो टैक्स थे वो सिर्फ 20% था। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये जब से चेंजेस आए तब से लोगों ने डिविडेंड्स लेना बंद कर दिया, कम लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि डिविडेंड पे जो टैक्सेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और लोग डिफरेंट ऑप्शंस में चले गए सो दैट डिविडेंड पे जो इतना टैक्स लग रहा है उससे वो लोग बच सके। जी, तो ऐसे में एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ऋतु कि सपोज कोई वेज वर्कर्स हैं या ऐसे हैं जो इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं या उनका कुछ ऐसा सपोज इन्वेस्टिंग करते हैं वो लोग और ट्रेडिंग करते हैं और उन पर जो टैक्स लगेगा वो प्रोबेबली 10% या 15% लगेगा क्योंकि वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ही लगेगा। तो ऐसे में दिस इज़ बेटर देन द ऑर्डिनरी इनकम टैक्स? देखिए, और ये इसको हम ये लोग कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप डेली वेज वर्कर की बात कर रहे हैं तो इनकम अगर वो इनकम टैक्स के स्लैब में फॉल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका ब्रैकेट तो कम में होगा, वो लोग अपर ब्रैकेट में तो आएंगे नहीं। लेकिन अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऐसी कर रखी है जिसमें, क्योंकि देखिए ये तो फिक्स है, जो भी कैपिटल गेन टैक्स है उसका फिक्स है, उसमें इनकम या हम ये मान के चलें कि कैपिटल गेन में फ्लैट 15% या 10% का लग रहा है तो वो एक जनरल उससे बेटर है जो इनकम का, क्योंकि इसमें भी इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आप जो एसेट्स आपके एसटीटी में फॉल होते हैं उसमें तो एसटीटी लग जाएगी सर, लेकिन अगर जो एसटीटी में नहीं फॉल होते हैं उनमें आपका जनरल टैक्स के रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। इसी तरह से लॉन्ग टर्म में भी आपके जैसे डेट और म्यूचुअल फंड्स का है तो डेट में तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें भी टैक्स को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं जिसको कि आप जैसे आपने रीइन्वेस्टमेंट कर लिया, आप जो है उस आपको एक कैपिटल गेन हुआ लेकिन आप नहीं चाहते कि आप उसका टैक्स दें तो आपने उसको विद इन 1 ईयर में आपने उसमें रीइन्वेस्टमेंट कर लिया। रीइन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने कोई लैंड परचेज कर लिया, आपने कोई हाउस कर लिया या आप कंस्ट्रक्शन में चले गए 1 ईयर बिफोर द इन्वेस्टमेंट या फिर सेल जब आपने ट्रांजैक्शन को बुक किया तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपने एक रीइन्वेस्टमेंट कर लिया। तो ये इस तरह के मेथड्स बने हुए हैं जिससे कि आप इस तरह के कैपिटल गेन टैक्स से आपको आप रिड्यूस कर सकते हैं या आप उनको पेमेंट करने के डिफरेंट तरीके से को अप्लाई करके आप उनसे आप मेथड इस तरह के सजेशन भी आ सकते हैं। ठीक है, उन पर हम करेंगे चर्चा। सिद्धार्थ, उससे पहले ना मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि चलिए गेन हुआ कैपिटल गेन तो हमने टैक्स दिया, अगर लॉस हो गया तो क्या किया जाए और लॉस का कि हम फायदा कुछ उठा सकते हैं, कुछ हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इसकी? ये भी दर्शक को जानना बहुत जरूरी है जो भी इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं कि हम लोग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन्स की जनरली बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट अगर लॉस हो जाए, क्या हम लॉस को ऑफसेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितने ड्यूरेशन के अंदर कर सकते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट से अगर हमारा एक शॉर्ट टर्म लॉस हुआ, एक अगर हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा 1 साल से कम, तो आप अपने शॉर्ट टर्म लॉसेस को ऑफसेट करा सकते हो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स के अगेंस्ट और उसको आप 7 ईयर्स तक प्रोलॉन्ग कर सकते हो। तो इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो अगर लेट्स से अगर आपको 100 रुपए का लॉस हो रहा है और आपको अगले साल आपको 100 रुपए का गेन हो रहा है तो आप उसको ऑफसेट करा सकते हैं अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन्स के अगेंस्ट। तो ये कहना कि अगर शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है तो उसका ये गलत है या इसको किस तरीके से अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए,
तो मैं इसमें यही बोलूंगा कि अगर किसी को लॉस भी हो रहा है तो आप उस लॉस को आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और 7 साल के अंदर जब भी आपको गेन्स हो रहे हैं तो आपके जो भी लॉसेज हो रहे हैं 15% का जो भी आपको लॉस हो रहा है शॉर्ट टर्म में अगेंस्ट जितना भी आपका कैपिटल इरोड हुआ है, उसको आप अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन्स के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप देखेंगे आप फायदा में रहेंगे, आप मुनाफे में रहेंगे और आपके जो टैक्सेस हैं वो भी बहुत कम ही रह जाएंगे। जी, तो यानी कि अपना जो लॉस है उसको बुक करके आप अपना जो गेन हुआ है उस पर टैक्स से बच सकते हैं, राइट? इफ आई अंडरस्टूड इट राइट? नहीं, आई थिंक इन सिद्धार्थ जी का कहना है कि जो हमारे पोजीशंस को हमारे में लॉस आ रहा है तो हम उस लॉस को मेंटेन इस तरह से करें कि हमारा आगे के जो 7 इयर्स में जो हमारा कैपिटल गेन का टैक्स है वो उसमें ऑफसेट हो जाए, वो उसमें एडजस्ट हो जाए, तो हम इस तरीके से अपने लॉस को भी मैनेज कर पाएंगे और हम अपने लॉन्ग टर्म जो गेन्स है उससे भी हम बेनिफिट्स ले सकेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि ये तो हो गए शेयर मार्केट की बात और स्टॉक्स की बात, अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म गेन्स और शॉर्ट टर्म गेन्स का बहुत ज़्यादा खेल हो जाता है और हर बार हम बजट में देखते हैं कि फिनेंस मिनिस्टर कुछ ना कुछ उसके बारे में ज़रूर बोलती हैं, तो अगर 2 साल तक प्रॉपर्टी होल्ड की है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेंगे, और अगर हम उसको ऑफसेट करना चाहें तो हम क्या जॉइंट ऑनरशिप कर सकते हैं प्रॉपर्टी की, ताकि दोनों जो हैं ओनर्स उन पर ये डिवाइड हो जाए कैपिटल गेन्स, पॉसिबल है? नहीं, क्या इसमें जो प्रॉपर्टी के बात में अगर हम बात करें तो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स को एक को रिड्यूस करने का एक तरीका यह है कि आपका, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम 2 इयर्स से ऊपर के ड्यूरेशन में लगता है, तो इसको अगर हमें सेव करना है तो हम ये इंडिविजुअल या HUF यही एप्लीकेबल हो, ये लोग एलिजिबल होते हैं। पहले तो कुछ कंडीशंस बना रखी हैं कि किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं, तो या तो इंडिविजुअल या HUF है जिसके थ्रू आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, प्लस आप 2 साल के अंदर आप जो है इन्हें आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वो भी लिमिट मैक्सिमम है, जिस 2 ही का ही मैक्सिमम लिमिट है, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस टाइम पर आपके पास सिर्फ 2 प्रॉपर्टी ही हो सकती है, इंक्लूडिंग द न्यू वन जो आपने परचेज किया है। तो अगर आप 2 साल से पहले कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो या आपने कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, आप सेल के बाद आपने 3 साल के अंदर अंदर कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तरीके ऐसे हैं जिनसे कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टीज में अपने लॉन्ग टर्म टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि जहां पर आपका टैक्स आ रहा है वहां पर अगर आपने न्यू प्रॉपर्टी खरीदी या कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट किया तो वहां से वो जो है एडजस्टमेंट उस तरीके से उसको किया जा सकता है। तो अगर सपोज हमारे पास जो गेन हुआ है कैपिटल गेन, अगर हम उसको री इन्वेस्ट करें जैसे कि ऋतु ने बताया और आप उसमें अपना एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, अगर हम री इन्वेस्ट करें किसी एग्रीकल्चरल लैंड में, हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप उसको एग्रीकल्चरल लैंड में भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इनफैक्ट जैसे मैम ने बोला कि अगर प्रॉपर्टी को अगर हम बेचते हैं और अगर वहाँ अगर जो भी कैपिटल गेन्स है अगर आपको उसको बचाना है तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तरीका तो मैम ने बताया कि अगर आप कोई एक अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं और उसमें डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आपका कैपिटल गेन्स बच सकता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैपिटल गेन बॉन्ड्स भी आते हैं, तो कैपिटल गेन्स बॉन्ड में भी आप अपने कैपिटल गेन्स को सेव कर सकते हो। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपिटल गेन्स बॉन्ड होते हैं, जैसे REC का होता है, PFC का होता है, NHAI का होता है, जहां 5 साल के लिए आपका जो पैसा होता है वो ब्लॉक हो जाता है और आपको जो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पर एनम उन कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स पे, जो कि टैक्सेबल होते हैं, और 5 साल के बाद वो पैसा फ्री हो जाता है। तो वो भी एक ऐसा तरीका होता है जहां आप अपने प्रॉपर्टी के जो कैपिटल गेन्स होता है उसका आप कैपिटल गेन्स बॉन्ड खरीद के आप उन टैक्सेस को सेव कर सकते हैं, अदर देन द फैक्ट कि आप ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज खरीद के भी आप अपने कैपिटल गेन्स को सेव कर सकते हैं। तो ये 2 मेजर तरीके हैं, और थर्ड तो तरीका यही है कि आप डायरेक्टली टैक्स ही पे कर दें जो भी आपके कैपिटल गेन्स बैठ रहे हैं। तो बेसिकली जो लोग हैं वो फर्स्ट और सेकंड वाले ऑप्शन को प्रेफर करते हैं, जिससे उनका 50 लाख तक का जो कैपिटल गेन्स है वो कैपिटल गेन बॉन्ड में डालकर वो अपने कैपिटल गेन्स से एग्जेम्पशन या कैपिटल गेन्स से वो मुक्त हो सकते हैं टैक्स। तो ये जो बॉन्ड खरीदने वाली बात है, शायद इसके लिए भी एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये बॉन्ड्स खरीदने? करेक्ट, आपको ये जो स्टिमुलेटेड टाइम फ्रेम सरकार देती है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपने कैपिटल गेन्स बॉन्ड को खरीदना होता है और इस पैसे को आपको डिप्लॉय करना होता है इन कैपिटल गेन्स बॉन्ड के अंदर, सो दैट आप अपने जो टैक्सेस हैं उनसे बच सकें।
और साथ ही ऋतु, जैसे अगर आपने बताया कि जो आपको कैपिटल गेन का फायदा हुआ है उसको आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद के उसमें डाल दो और आप उससे बच जाओगे, लेकिन उसमें भी शायद एक कंडीशन ये है कि आप 3 साल से पहले उसको बेच नहीं सकते। हाँ बिल्कुल सुनिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये कंडीशन है कि आप, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप टैक्स को रिड्यूस करने के लिए आप ये स्टेप ले रहे हो कि हम उसको एग्जेम्पशन करना है। अगर आप देखिए, अब यहाँ पर आप ये देखें कि अगर हम लोग इसमें अमाउंट देखें तो गवर्नमेंट को जो है करीब इस कैपिटल गेन टैक्स से अराउंड 80,000 करोड़ का जो है वो एनुअल इनकम होती है। तो ऑब्वियसली बात है, आप इसे समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने भी इस तरह के रूल्स बना रखे हैं कि अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से को रिड्यूस करने के एग्जेम्पशन के लिए कुछ मेथड है तो उसकी कुछ लॉक इन पीरियड भी होता है। देखिए सोनिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो 3 ईयर्स के पहले आप उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उसको बेच दिया तो फिर आपका जो एग्जेम्पशन का आपने जो स्टेप लिया है वो फुलफिल नहीं होगा और आपको अगेन वो लॉन्ग टर्म का टैक्स जो आप एग्जेम करना चाहते थे वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के लॉक इन पीरियड्स है, जैसे कि बॉन्ड्स में सिद्धार्थ जी बताया कि हम कर सकते हैं अमाउंट 50 लाख्स ही हो सकता है, उससे ज़्यादा का आप नहीं कर सकते, प्लस 6 मंथ्स के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो ये सर्टेन ऐसे लॉक इन पीरियड्स और ऐसे चेक्स बना रखे हैं जिसको अगर आप फुलफिल करेंगे तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको वो अल्टीमेटली वो टैक्स पे करना पड़ेगा। जी सिद्धार्थ, जैसे अगर आप जो घर बेचना चाह रहे हैं और जिसपे कैपिटल गेन आपको मिलेगा, जिसपे टैक्स लगेगा, तो अगर आप 2 साल तक उसमें रह रहे हैं, आपने उसमें काफ़ी रिनोवेशन करवाया है, आपने उनकी रिसीप्ट्स रखी हुई हैं, क्या उसमें से पैसा कट जाएगा कैपिटल गेन जब आप फाइनल सेल का अमाउंट देखेंगे, या फिर अगर आपने ब्रोकरेज दी है उसको बेचने के लिए तो वो क्या कॉस्ट में कट जाएगा? आप घर की बात कर रहे हैं तो आपके कुछ, सबसे पहले जो कैपिटल गेन्स जो लगता है वो आपके सर्कल रेट्स के हिसाब से लगता है। बेसिकली सर्कल रेट्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है कि आपने जब आपने खरीदा था तब क्या सर्कल रेट है, अभी क्या सर्कल रेट है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स किस तरीके से वर्क कर रहा है, और जब आप उसका जब डिफरेंस देखते हो उस पर आप अपना लॉन्ग टर्म के हिसाब से 20% ऑफ इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से आप अपना कैपिटल गेन्स पे कर देते हो। अब आपका जो सवाल था कि लेट्स से अगर आपने कोई रेनोवेशन करवाया है तो ब्रोकरेजेस है तो उसको भी आप ऑफसेट कर सकते हो, बट उस पर भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि आप किस किस टाइप की अपनी रेनोवेशन करवाई है, कब रेनोवेशन करवाई है, किस लेवल तक रेनोवेशन करवाई है। अगर आपने अपने रेनोवेशन अपने जो कैपिटल आपने स्पेंड किया है इन बाइंग ऑफ द प्रॉपर्टी, आप अगर आपने उससे ज्यादा अगर आपने रेनोवेशन में खर्च कर दिया तो आप एग्जेम्पशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा कैपिटल गेन्स पड़ जाएगा। सो इन दैट केस ये भी पॉइंट टू पॉइंट और केस टू केस वेरी करता है कि कौन कौन से फीचर्स हैं जिसका आप प्रावधान का आप फायदा उठा सकते हैं, और कैपिटल गेन्स जब कैलकुलेट होता है टैक्स प्रॉपर्टी का बेचने पर तो आप उनको ऑफसेट कराने में आपके वो फीचर्स काम आ सकते हैं। जी सिद्धार्थ ने CII की बात की तो उस पर अगर हम बात करें, इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको कैसे मिलता है? अगर कोई चीज़ आपने 20 साल पहले खरीदी तो काफ़ी सस्ती थी, लेकिन आज की तारीख में वो काफ़ी महंगी है, जब आपने उसको बेचा तो इन्फ्लेशन उसमें कैसे कैलकुलेट होगा? एक्चुअली में इंडेक्सेशन का सुनिया जी बेनिफिट का यही है कि उसमें इन्फ्लेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन का रेट जिस तरह से बढ़ रहा है तो 20 साल पहले अगर कोई प्रॉपर्टी हमने ली और आज ली तो उसमें उसके रेट्स में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। और जैसे कि अभी सिराज जी ने बताया, उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी कि जब हम लोग ये कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन होती है तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये दोनों फैक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है। और इसी तरीके से हम इंडेक्सेशन बेनिफिट्स में भी वो इन्फ्लेशन का रेट देखते हैं, उस इन्फ्लेशन रेट्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और जो आपका उस सर्टेन पीरियड में जितना राइज हुआ है उसके हिसाब से वो इंडेक्सेशन निकाला जाता है कि इन्फ्लेशन की वजह से उसका क्या कितना इजाफा रेट में हुआ है, तो आज हम उसका जो कैपिटल गेन हमें हो रहा है उसमें उस इंडेक्सेशन के अमाउंट को हटा के जो एक टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो टैक्स जो है आपको एप्लीकेबल होता है, तो वहाँ पे वो इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है, जैसे कि डेट के म्यूचुअल फंड्स में आपको ये बेनिफिट मिलता है। सिद्धार्थ, एक होती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की होती है, तो उसमें भी कहा जाता है कि अगर जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें तो फिर आप पर टैक्स नहीं लगेगा। करेक्ट। सो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी एक ऐसी ही स्कीम होती है, जैसे मैंने टैक्स फ्री बॉन्ड्स जैसे हमने बताया NHAI, REC, PFC के, ऐसे ही कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम भी सरकार की होती है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन मिल जाता है स्टिमुलेटेड पीरियड में।
उसमें भी यही देखना होता है कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना होता है, और उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी वेरी करता है जो सरकार जैसे चाहती है, कभी उसका इंक्रीज भी हो सकता है और कभी डिक्रीज भी हो जाता है। सो इन दैट केस ये भी सरकार ने एक प्रोविजन एक फीचर दिया है जहां से आप अपने कैपिटल गेन्स को आराम से आप बचा सकते हैं। जी ऋतु, अगर कोई व्हीकल बेचता है, कोई अपनी गाड़ी बेचता है, कोई अपनी बस बेचता है, कोई अपना ट्रक बेचते, उस पर किस तरह से कैपिटल हुआ, तो लॉस ही ज़्यादा होगा शायद या फ़ायदा भी होता है? देखिए, व्हीकल और व्हीकल का एक अपना डेप्रिसिएशन पीरियड होता है कि आपका जो है वो कितना उसमें डेप्रिशिएट हुआ है। तो इसमें जो है क्योंकि व्हीकल्स ट्रांसफरेबल है, तो ये आपका जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स, कैपिटल एसेट्स के अंदर ये फॉल करता है। तो इसमें भी जो कैलकुलेशन आपका है, तो इसमें अगर आपका ये लॉस आपको उस पीरियड में डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस है, तो अगेन जो है वो ऑफसेट करके हम आगे के पीरियड्स के लिए वो लॉन्ग टर्म टैक्स में उसको उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है व्हीकल्स और इस तरह के जो कैपिटल एसेट्स हैं जिनमें कि डेप्रिसिएशन का फैक्टर आता है, तो उनमें भी जो कैलकुलेशंस होती है वो टैक्स के पीरियड को उस तरह से हम एडजस्टमेंट करके जो है आगे के जो टैक्स का अमाउंट है वो हम पेबल होता है। जी सिद्धार्थ, अगर अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें एज इन फीमेल इन्वेस्टर्स, तो उन पर कोई उनको कोई बेनिफिट मिलता है क्या किसी भी तरीके का कैपिटल गेन टैक्स में? वेल I know it's a difficult question, but being two females, थोड़ा सा कहीं से भी bargain हो जाए। मैं बताना चाहूँगा, Central Board of Direct Taxes जो आपको capital gains के बारे में जो दर्शाता है या जो information present करता है लोगों के लिए, उन्होंने ऐसे कोई फीमेल सेंट्रिक टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में कभी बात नहीं करी। वो एक जेंडर न्यूट्रल टैक्स स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है एज पर अकॉर्डिंग टू द टेन्योर। उसमें जेंडर को लेके ऐसा कोई मुआवजा या कोई ऐसा कोई एग्जेम्पशंस नहीं है जहां आप उसको उस बेनिफिट को आप अवेल कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन में आपको मुआवजा मिल सकता है। तो एज सच मैं माफी चाहूंगा कि ये सवाल निराशाजनक हो सकता है काफी लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग काफी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस सवाल में मैं ये बताऊं कि किस तरीके से एक विमेन को या एक फीमेल को बेनिफिट्स हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार ने ऑलरेडी इस तरीके से रैशनलाइज किया हुआ। इनफैक्ट इससे मुझे याद आ रहा है, अगर आप अपने डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे अगर आप बहुत गौर करें, तो आप देखेंगे कि इंडिया में जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन वो सिर्फ 10% है इक्विटीज पे, और शॉर्ट टर्म की जो डेफिनेशन है वो 15% है। अगर आप यूएस की बात कर रहे हैं या किसी विदेशी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो शॉर्ट टर्म की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा है, वो तो सीधे आपके टैक्स स्लैब्स में ऐड कर देता है वो जो भी उसका रिडेम्पशन अमाउंट होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी इतना रैशनलाइज्ड है, इस तरीके इतना कम है कि सरकार ने जितना लोअर लेवल पे जो बेनिफिट दे सकती है एक नॉर्मल इन्वेस्टर को या ट्रेडर को वो ऑलरेडी दे रही है। सो इसके अलावा सरकार इतना इससे ज्यादा क्या ही देगी। मैं यही बोलूंगा कि 10% और 15% की जो डेफिनेशन है वो वन ऑफ द लोएस्ट है। इसमें मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा, पहले तो इनफैक्ट लॉन्ग टर्म की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, ये तो 2018 में ये रूल आया है जहां पे एक ग्रैंडफादरिंग क्लॉज आया जहां सरकार ने एक लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन रखी। इनफैक्ट पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ ही नहीं करता था, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म जो भी होता था वो टैक्स फ्री होता था। 1 अप्रैल 2018 से सरकार ने बोला कि हम एक डेट रखते हैं जो कि 31 जनवरी 2018 है, उस दिन से हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या परचेज हुआ है, और तब हम आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं तो इनफैक्ट ये बोलूंगा कि ऑलरेडी अगर आप कैपिटल गेन्स देखें और अगर आप इस कैपिटल गेन्स को आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस के कैपिटल गेन्स से कंपेयर कर रहे हैं जैसे एफडीज के कंपैरिजन में, तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी कैपिटल गेन्स काफी कम है। और इनफैक्ट वो तो 2000 ये जब सरकार ने ग्रैंडफादरिंग क्लॉज लाया जहां उन्होंने 31 जनवरी 2018 की डेट रख दी कि कोई भी अगर एसेट क्लास अगर आपने लेट से 20 साल पहले खरीदी है और उस पे अगर हमें लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन लॉन्ग टर्म पे बेचना है, लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन लाइक मोर देन वन ईयर, तो वैसे ही हो जाएगा, तो कैलकुलेट कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि 31 जनवरी 2018 को जो नेट एसेट वैल्यू होगी या एनएवी होगी उसको मद्देनजर रखते हुए और जिस दिन हम बेच रहे हैं उसकी जो एनएवी होगी
उस पे जो भी डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लॉन्ग टर्म को कैलकुलेट करेंगे, जो कि सिर्फ 10% है। और जैसे कि मैम ने भी बताया, इसमें भी एक और कैच ये भी है कि 1 लाख तक का आपका कैपिटल गेन्स तो एग्जेम्प्टेड है। तो ऑलरेडी जब आपको सरकार इतना एग्जेम्पशन दे रही है इन टर्म्स ऑफ के लॉन्ग टर्म 10% कर दिया, इनफैक्ट एक लेवल पर तो लॉन्ग टर्म तो सारे टैक्स फ्री ही थे, तो मुझे लगता है कि सरकार ने ऑलरेडी रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स कर दिया है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स। इसलिए सवाल आया रितु, क्योंकि ये भी पीछे बात थी कि अगर विमेन के नाम पर प्रॉपर्टी है तो कई चीज़ों में छूट मिल रही थी इस वजह से, तो अभी भी वो है। हाँ सुनिए जी, इसमें ये भी मैं कहना चाहूँगी कि देखिए लेडीज़ वुमेन, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या कैपिटल गेन टैक्स में लेडीज़ को कुछ बेनिफिट है, तो मैं कहूँ भले ही उसमें बेनिफिट ना हो, लेकिन लेडीज़ जो है वो डीडी उर्दू का ये पैसा बोलता है शो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल सेशंस होते हैं जो कि लेडीज़ को, क्योंकि लेडीज़ को आमतौर पर माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उनका वो थोड़ा डिसीजन लेने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के शोज़ देखने से उनको उसमें हेल्प मिलेगी। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ और इसके पे बात करें, तो क्योंकि जो टैक्स रेट जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो लेडीज़ को उसमें बेनिफिट वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि वो 6% 5% के फॉल होता है, जो कि एक कम जेंट्स के मतलब मेल अगर जाता है तो उन्हें 7% पे करना पड़ता है। तो इस तरह के अलग अलग बेनिफिट्स उन्होंने ऑलरेडी लेडीज सेंट्रिक वुमेन सेंट्रिक गवर्नमेंट ने दे रखी है वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन अगर कैपिटल गेन टैक्स में है तो उसमें अभी तो कोई ऐसा नहीं है, वो जेंडर जैसे कि सिद्धार्थ जी ने बताया वो जेंडर न्यूट्रल है, बट उसके अलावा वुमेन सेंट्रिक बहुत सी स्कीम्स और बहुत से बेनिफिट्स गवर्नमेंट जो है वो देती रहती है, और समय समय पर आगे भी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए इस तरह की स्कीम्स आ सकती हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सिद्धार्थ जो कि ट्रेडिंग पर कोई फीस नहीं लेते हैं क्योंकि वुमेन है, तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं। प्लस सरकार की ही कई स्कीम्स होती हैं जो सिंगल वुमेन के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, या मैरिड बट सेपरेटेड उनके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो इस वजह से ये सवाल आया था। तो कल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जैसे कि अभी मैंने अपने प्रीसीडिंग क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन तो उसके टेन्योर से डिसाइड होती है, इट्स जेंडर न्यूट्रल, तो इन दैट केस आपको 10% और 15% का। इसमें इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक नया रूलिंग आया है और जो कि एक इन्वेस्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखा गया है कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है। एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट हुआ करता था, जहाँ की मैम ने बोला कि अगर आप 3 साल अगर आप किसी एसेट क्लास को रख रहे हो या किसी डेट फंड को रख रहे हो तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था, जो कि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इंडेक्स होता था। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका एक डेट फंड 8% से बढ़ रहा है, आपने उसको 3 साल रखा, और अगर इन्फ्लेशन लेट्स से 6% के हिसाब से बढ़ रहा है और आपने उसको 3 साल के लिए अगर आपने अपने एसेट क्लास को रखा, तो 8% के हिसाब से 3 साल में हुआ 24, और 6% का 3 साल के हिसाब से हुआ 18%, तो 24 - 18 जो कि 6% हुआ, आपको 20% का टैक्स उस 6% पे देना पड़ता था, जो ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड होता था। 31st of March 2023 या इनफैक्ट 1st of April 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक रूलिंग लाई है, उन्होंने ये कहा कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो डेट फंड्स को अब नहीं मिलेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो डेफिनेशन थी डेट फंड्स की, वो नल एंड वॉइड हो गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, या तो आप 3 साल से पहले बेचें डेट फंड को, या 3 साल के बाद बेचें। तो जिस तरीके से FDs में आपके स्लैब्स के हिसाब से आपको अपना टैक्स पे करना पड़ता है, ऐसे ही आपको डेट फंड्स में भी आपको उसी स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसमें बस उन्होंने एक कैच रख लिया, अगर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेल करना है तो आपको उस डेट फंड के अंदर 35% की इक्विटी रखनी पड़ेगी। अगर आपने उस डेट फंड के अंदर 35% की इक्विटी रखी, तो सबसे पहले वो डेट फंड नहीं है, वो एक हाइब्रिड फंड कहलाया जाएगा। और अगर आपने उसको 3 साल का रखा, 3 साल के ड्यूरेशन के बाद अगर आपने उसको बेचा, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट 100% मिलेगा। तो इसलिए आज की डेट में जो निवेशक हैं वो मैक्सिमम जो डेट फंड से निकल रहे हैं और वो हाइब्रिड कैटेगरी में जा रहे हैं, सो दैट वो एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो सरकार ने दिया है वो उसको अवेल कर सके। और ये अभी रूलिंग आई है 1 साल पहले। तो ऋतु इसको शायद पूरा समझाएंगी दर्शकों को एक बार फिर, ताकि दर्शक समझें कि उनको म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, उनको स्टॉक्स खरीदने हैं,
या फिर उनको ये हाइब्रिड डेट फंड्स खरीदने हैं ताकि टैक्स जो है वो कम से कम लगे और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। सुनिए जी, ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना, ये एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर उसके रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हर हर एक एसेट क्लास के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, सबके अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने वो हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट में ये गारंटी नहीं होती कि वो 100% आपको प्रॉफिट ही देगा, चाहे वो रियल स्टेट का ही है, चाहे स्टॉक्स का ही है, चाहे म्यूचुअल फंड का ही है। जो थोड़े से ज़्यादा हाई रिस्क या जिनका रिस्क एपिटाइट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो जनरली प्रेफर करते हैं कि वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में डायरेक्ट वो इक्विटी परचेज करके वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें। कुछ ऐसे हैं जिनको चाहिए कि वो अपना सिस्टमैटिक तरीके से वो अपना सर्टेन कुछ अमाउंट्स हर मंथली वो जो है इन्वेस्टमेंट में डालते रहें, जो कि इक्विटी मार्केट में लगता रहे, तो वो SIP के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जिसे हम लोग कहते हैं। कुछ हैं जिनको चाहिए कि हमारा, मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मेरा इंडेक्स के साथ जो है वो मूव होता रहे, तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें अगेन आपका टैक्स को सेव करने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आप इन्वेस्टमेंट का आपका क्या क्राइटेरिया है, वो इन्वेस्टर का क्या नेचर है, क्या रिस्क एपिटाइट है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग को चाहिए कि हमें इमोबल प्रॉपर्टीज़ में ही, रियल स्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करना है, हमें स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में नहीं जाना, तो वो जनरली लैंड और वो हाउस परचेज करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप कैसे, मतलब किस में करने से आपको ज़्यादा टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा, तो ये चीज़ आपके खुद के रिस्क एपेटाइट और आपका इन्वेस्टमेंट का नेचर के ऊपर है, आपकी ज़रूरतों के ऊपर है। आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए, आपको 5 साल के बाद चाहिए, आपको अपने बच्चे की शादी के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, तो आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टैक्स तो आपके गेन पे लगना है, आपके प्रॉफिट पे लगना है, ये जब आप रिडीम करेंगे, जब एग्जिट करेंगे, तो वो टैक्स तो एप्लीकेबल आप पे होगा। तो आप इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपेटाइट और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कीजिए। जी सिद्धार्थ, हमने स्टॉक की बात कर ली, बॉन्ड्स की बात कर ली, रियल एस्टेट की बात कर ली, ज्वेलरी की बात कर ली, अगर व्हीकल की भी बात कर ली, मशीनरी, अगर मशीनरी कोई बेचे अपनी, क्या उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है? और हमारे उन दर्शकों के लिए जिनकी हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी कोई प्लांट्स हों या उन्होंने कुछ इंपोर्ट की हो बाहर से मशीनरी और फिर वो उसको बेच रहे हो, उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा हो। हाँ जी बिल्कुल, मशीनरी पे भी आपको कैपिटल गेन्स आपको बिल्कुल देना पड़ता है, और जो आपको कैपिटल गेन्स देना होता है वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे कैपिटल मार्केट्स में, जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन है, उसको भी आप ऑफसेट करा सकते हैं। लेट्स से अगर कोई मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई तो वो भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनेज कर सकते हैं, जो कि आप उसको 7 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उस कैरी फॉरवर्ड करके आप उस डेप्रिसिएशन का जो भी क्लेम है या फिर जो भी आपका शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है आप उसको क्लेम कर सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जिस तरीके से आप व्हीकल्स में, क्योंकि व्हीकल भी एक मशीनरी है, जिस तरीके से आप व्हीकल्स में एक कैपिटल गेन्स का एक मुआवजा या फिर एक एग्जेम्पशंस या फिर कैपिटल गेन्स का प्रोविजन जो कि अवेलेबल है, इस तरीके से एक मशीनरी में भी उतना ही एप्लीकेबल है। तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी रितु, कि सपोज आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है या कोई भी स्टॉक्स खरीदे हैं, उनमें से आपको दिख रहा है कि मुझे 20% का फायदा हो रहा है या 30% का फायदा हो रहा है, ग्रीन में है और आप खुश हो रहे हैं कि अगले साल भी आप चले गए और अगले साल भी आपने देखा कि उसमें 40% का फायदा हो रहा है, तो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कब लगेगा? वो सिर्फ तब लगेगा जब आप उससे एग्जिट हो जाएंगे या जब आपको दिख भी रहा है तो भी आपको देना पड़ेगा? नहीं सुनिए जी, कैपिटल गेन टैक्स आप जब आप रिडीम करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, जब आप एग्जिट करेंगे, तब आपका जो अमाउंट है उस पर वो कैपिटल गेन टैक्स लगना लगेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड टेन्योर पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो है स्टॉक मार्केट शेयर्स आपने परचेज किया है, वो आप 1 साल के अंदर उसको एग्जिट कर लेते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म टैक्स में 15% के उसमें एसटीटी में आएगा। लेकिन अगर वो आप 1 साल के ऊपर आप उसको होल्ड कर रहे हैं, तो जितना आपका टाइम पीरियड कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे आएगा, और जितना आपका उसमें प्रॉफिट होता रहेगा, तो जिस समय आप रिडीम करोगे अपने इन्वेस्टमेंट को, आपको उस समय वो पेबल होगा। सिद्धार्थ, एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे चाहूँगी, और साथ ही जो ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, वो भी टैक्स देते हैं शॉर्ट टर्म वाला? करेक्ट। तो अगर आपने मुझसे कंक्लूडिंग रिमार्क मांगा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोलना चाहूँगा, चाहे वो एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके उस एसेट पे क्या कैपिटल गेन्स लगने वाला है। अगर आपको ये पता होगा कि क्या कैपिटल गेन्स लगेंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं
कि नेट रिटर्न्स आपके पास क्या आने वाले हैं। जब लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और जब एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, तब अगर आप कैपिटल गेन्स का अगर आप ध्यान रखें तो आपको रियलाइज होगा कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स किस में कितना ज्यादा है, किस में कितना कम है, और उस तरीके से आप उस एसेट क्लास को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये तो रही बात आपका कंक्लूडिंग रिमार्क की। जहां तक बात रही डे ट्रेडर्स की, तो यस, डे ट्रेडर्स को भी अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ता है जो कि 15% है जो भी एप्रिसिएशन पे, और अगर लॉसेस होगा तो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो इन दैट केस इवन ट्रेडिंग में, क्योंकि ये सब पैन लिंक्ड है, जब सब कुछ लिंक्ड ही पैन से है और सरकार इस सबको ट्रैक कर सकती है, तो इसकी जो एक होमोजीनियस डेफिनेशन है कैपिटल गेन्स, विच इज इक्विटी है, तो लेस देन वन ईयर इज शॉर्ट टर्म, मोर देन वन ईयर इज लॉन्ग टर्म, तो वो सारा एप्लीकेबल होगा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो अब तक ये समझ चुके होंगे कि लाखों का फायदा तो हो रहा है लेकिन इस पर टैक्स लगने वाला है, तो आप उस टैक्स को बचा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि पैसा आपका है, कीमती है, तो पैसा बोलता है, देखते रहिए और क्या क्या तरीके हैं टैक्स बचाने के, इस पर भी नज़र डालते रहिए। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल पर भेज सकते हैं, ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।